विजिट ही होगा कि 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में होने जा रहे हैं, जिसमें के 43 खेलों का आयोजन किया जाएगा और देश भर के तकरीबन 11,000 खिलाड़ी और अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं में जो खेलने का नियम है वो यही है, वही टीमें भाग ले सकती है, वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो जिनका नेशनल लेवल में रैंकिंग 8 हो। जो 8 लेवल तक नेशनल रैंकिंग में है वही खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, वही टीमें भाग ले सकती हैं। तो उसमें हिमाचल की ओर से हम लोगों ने 18 खेलों में जो है 18 खेलों में हमने जो है क्वालिफाई किया है, जिसमें कि एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, शूटिंग है, जूडो है और स्पाइक टैक्रो है, नेटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, शूटिंग है, रेसलिंग है। तो इस तरह से 18 खेलों में हमारे तकरीबन 176 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इसमें अधिकारी और टेक्निकल ऑफिसर भाग लेंगे वो इसके अलावा है, वो विभिन्न प्रतियोगिता में नेशनल फेडरेशन द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि नेशनल लेवल के होते हैं, वही खिलाड़ी और अधिकारी इसमें भाग लेंगे। इसमें जो विशेष हिमाचल की ओर से है हमारा जो रहेगा वो बॉक्सिंग में, शूटिंग में और कबड्डी में, अन्य खेलों में भी हमारे, क्योंकि जब 8th पोजीशन तक हमने क्वालिफाई किया है तो इसमें अन्य खेलों में भी हमारे पदक की बड़ी संभावना है। पिछली बारी जो 36वीं नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, उसमें हिमाचल की ओर से 15 खेलों में हमने भाग लिया था, 15 खेलों में तकरीबन 126 हमारे खिलाड़ी और अधिकारी इसमें गए थे गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात में। अभी हमारे शूटिंग में मेरे साथ मेरे सहयोगी है रोहाल जी, आपको बताएंगे कि शूटिंग में हमारे काफी अच्छा जो है राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो है ना परफॉर्मेंस रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी भी हम शूटिंग में मेडल जीतेंगे। उसी तरह बॉक्सिंग में भी हमारे पास ओलंपियन है आशीष चौधरी, जो कि टोक्यो ओलंपिक में खेल चुका है और अभी नेशनल कैंप में है, वो भी 80 किलो भार में खेल रहा है। और दूसरा भी एक हमारे पास जो दूसरा खिलाड़ी है उसका नाम भी आशीष ही है, इंटरनेशनल बॉक्सर है वो भी। और इस तरह से बॉक्सिंग में हम लोगों ने 10 जो वेट कैटेगरी है उसमें क्वालिफाई किया है। हमारे पास 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं बॉक्सिंग में, मीनाक्षी जो हमारे पास एक और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है उससे भी हमें काफी अच्छे खेल की संभावना है। उसी तरह कबड्डी में आपने देखा कि कबड्डी में हमारी लड़कियों ने एशियन गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल जीता है। अगर उसमें देखा जाए तो ज्यादातर जो खिलाड़ी थे कबड्डी के वो हिमाचल से ही थे, वो चाहे हिमाचल की ओर से खेले हैं या बाहर यानी रेलवे की ओर से या दूसरी स्टेटों से खेले हैं। हिमाचल की ओर से ज्योति और पुष्पा इसमें भी खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में, तो कबड्डी में भी हमें मेडल की उम्मीद है कि हम कबड्डी में भी मेडल जीतेंगे। उसी तरह से जो फेंसिंग है, फेंसिंग में हमारे पास दत्ता है लड़की, ज्योति दत्ता, पिछली बारी भी वो एशियन खेल चुकी है, इस एशियन में तो थी नहीं लेकिन इससे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें उसने भाग लिया है, तो इस बारी वो हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रही है नेशनल गेम्स में, तो हमें उम्मीद है कि फेंसिंग में भी मेडल जरूर आएगा।
तो इस तरह से हमारे पास, और एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि हिमाचल की ओर से गेम्स हो रहे हैं, उसमें हिमाचल की ओर से हमारे जो टेक्निकल अधिकारी है, गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के चेयरमैन अमिताभ शर्मा जी, वो हिमाचल से ही है और गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के वो चेयरमैन है। मैं भी उनके साथ बॉक्सिंग फेडरेशन की ओर से और हिमाचल की ओर से टेक्निकल मेंबर हूँ गेम्स टेक्निकल कमेटी में, और रोहाल जी टेक्निकल ऑफिसर जा रहे हैं, उसी तरह से विनोद कुमार जी भी वहाँ पर एज टेक्निकल अधिकारी होंगे। तो विभिन्न खेलों में जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ, जूडो के जो रमेश चौहान है वो चीफ डिवीजन जा रहे हैं जूडो के इस कॉन्टिजेंट के साथ, और कुलदीप राणा जो रेसलिंग के प्रेसिडेंट है वो डिप्टी चीफ डिवीजन कॉन्टिजेंट के साथ भाग लेंगे। तो इस तरह से ये 176 खिलाड़ियों का दल और खिलाड़ी और अधिकारी का दल इसमें भाग लेने जा रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ये दल है खिलाड़ियों का वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। और पिछली बारी हमारे 9 मेडल आए थे जिसमें 2 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे, 3 ब्रॉन्ज थे। तो इस वक्त हमें इस साल में उम्मीद है कि हमारा जो प्रदर्शन अच्छा रहेगा और मेडलों में बढ़ोतरी होगी। आप कोई सवाल करना चाहें तो।